पहले वनीला का पैकिंग हो रहा है, ये पूरा पैकिंग होने के बाद यहाँ पे सेट होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में बात की जाए तो जलजीरा सोडा, पेप्सी, ये सब लोग तो सब यूजली पीते हैं, बट सूरत में मैंने ऐसा देखा है कि ही मैन की ड्रिंक काफी मशहूर है और काफी लोग पीते हैं। तो आज बॉम्बे फूडी टाइम आपको ही मैन की फैक्ट्री में ले चलेगा और बताएगा बेसिकली कैसे बनता है ये सोडा। तो बॉम्बे फूडी टाइम आज आपको दिखाएंगे ही मैन का जीरा सोडा कैसे तैयार होता है, स्टार्ट टू एंड बॉटल से कैसे पैक होता है, कैसे लिक्विड भरते हैं, कैसे एंड पैकिंग होता है और कैसे ट्रांसफर होता है ट्रांसपोर्ट पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बॉटल बनता कैसे है। तो ये जो बेसिकली जो पार्ट है, ये बेसिकली सर क्या पार्ट है, ये आप एक्सप्लेन करिए ना। पी फॉर्म, ये पी फॉर्म है। इसको मतलब ये जो चीज देख रहे हो ना, ये एक बेसिकली बॉटल है, एक बॉटल है। तो ये देखो, ये अंदर जा रहा है यहाँ से देखो कैसे ऊपर खींचता है। ये देखो, ये ऊपर खींचता है, एक खींचने के बाद ये यहाँ से जाता ऊपर। ऊपर होने के बाद ये यहाँ पे आप देखो वहां से चढ़ता है। वहां से चढ़ने के बाद ये इस रॉड में, ये ऊपर वाले रॉड में जाता है। देखो आप खुद देखो कैसे जा रहा है, ये वहां से आके इस रॉड में जाता है। फिर ये रॉड से, ये रॉड से ऐसे बोतल यहाँ पे एकदम सच के आती है। ये देखो इस तरह से ये अंदर जाती है। तो ये अंदर में एकदम घूमता है और ये घूम घूम के ये बेसिकली बड़ा बोतल है। ये देखो बोतल है। अब ये ऊपर यहाँ पे आया, वहाँ से घूम के गरम गरम होके ये यहाँ से आएगा। एयर भरते ही ये बोतल बन जाती है, क्योंकि वहां से एयर होके ये फूक के, ये देखो ऐसी बोतल तैयार होती है। यहाँ से ये बोतलों का गोदाम है। अब यहाँ से ये देखो कितना सारा बोतल है यहाँ पे थैली बन के। ये पहला स्टेप है वीडियो का। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे बन के ये जाता है जो मेन पोर्ट वाला फैक्ट्री है, जहाँ पे आपका जीरा का फैक्ट्री है ना, जल जीरा ड्रिंक का, वहाँ जाता है। तो यहाँ से बोतल भी होके वहाँ जाता है। तो अब हम चलते हैं कि बेसिकली कैसे ड्रिंक बनता है। तो ये देखो, ये जाएगा वहाँ पर और ये जो सारा ड्रिंक है ही मैन धनराज बॉटलिंग। तो ये देखो यहाँ पे सारी की सारी बॉटल जमा कर दी गई है और यहाँ से जाके यहाँ पूरा बॉटल रखा है। यहाँ से लेते हैं, देखो यहाँ पर पूरी बॉटल सेट करते हैं। ये बॉटल सेट करते करते यहाँ पर सेट करते, देखो वहाँ पर अंकल लगा रहे हैं और लगा के ये बॉटल यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे आने के बाद ये सारा का सारा, यहाँ पे पहला स्टेप है बॉटल की धुलाई होना। तो धुलाई होने के लिए आप लोग देख सकते हो ये वहाँ जाती है गोल गोल घूमते, फिर ये यहाँ पर आती है, ये दोनों से सफाई हो रही है। तो बॉटलें सारी सफाई होती है। तो ये देख लो कैसे पानी जाता है, पूरा सफाई हो रही है अंदर से। तो ये सफाई होने के बाद ये जाता है इधर। तो उधर जाने के बाद ये सब में लिक्विड भरा जाता है। तो इसमें तो इनकी ड्रिंक है, ये तो रात की बात है, कोई बताएगा नहीं। और यहाँ से वो सारी जो खाली खाली बॉटलें हैं, जैसे ये खाली बॉटल है देख लो, वो जाके अंदर फिट होती है, ऊपर जाती है ड्रिंक। ऊपर ड्रिंक होने के बाद वो होती है गोल गोल, वहां से आती है, आने के बाद यहाँ भर जाती है वहां, मतलब इस मशीन में। ये फिलर इसमें सारा वो जो लिक्विड है इसमें भर जाता है। तो ये देखो यहाँ पे गोल गोल घूमते घूमते ऊपर लगते हैं ढक्कन, इस तरह से ढक्कन फिटिंग हो रहा है। आप देखो ढक्कन लगने के बाद ये जाता है इधर। तो यहाँ पे पूरा बॉटल हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाता है बॉटल। तो इस दिन जो ही मैन ड्रिंक है जलजीरा फ्लेवर सोडा, ये तैयार हो गया। अब ये जा रहा है उधर पैकिंग के लिए। तो देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे जो ढक्कन हो रहा था, तो यहाँ से ये सारे ढक्कन ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर ढक्कन जाते हैं, जाते जाते वो ढक्कन, ये ढक्कन वाली मशीन है, ये ऊपर जाते हैं। जाने के बाद ढक्कन सारे इधर आते, इधर आने के बाद इधर जाते हैं इस मशीन में। इस मशीन में वहां से जो फिलिंग होता है, वो फिलिंग होने के बाद यहाँ
लगता है, ढक्कन में ऐसा फील हो रहा है, देख लो। फिर फिलिंग होने के बाद इधर आता है, आ रही है तैयार होके। तैयार होने के बाद इन ढक्कनों पे लगता है एक्सपायरी डेट। ये देखो यहाँ से खाली बोतल आ रही है, यहाँ पर लगता एक्सपायरी हो जाता है और रेट 15 रुपए एक बोतल है। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से होने के बाद जब यहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा होने के बाद ये जो सारे स्टिकर्स है, स्टिकर्स इसमें लग रहे हैं यहाँ पर। देखो ये जो इनकी ब्रांडिंग वाला नाम है पूरा का पूरा, वेल बॉर्न जीरा सोडा ही मैन का, यहाँ से होके ये मशीन में जाके इसमें गम लग के, इसमें गम लगता है, गम लगने के बाद ये वहाँ लगता है, वहाँ लगने के बाद ये ड्रिंक होने के बाद ये देखो इधर आता है, इधर होने के बाद ये इधर आता है। ये देखो पहले कंजीरा का पैकिंग हो रहा है, ये पूरा पैकिंग होने के बाद यहाँ पे सेट होता है, वहाँ से जैसे खाली कैरेट होता है, खाली कैरेट होने के बाद यहाँ आता है पूरा, इसमें सजाया जाता है पूरा। फिर यहाँ से बनने के बाद यहाँ रखा जाता है, यहाँ रखने के बाद इनका पूरा का पूरा पैकिंग होने के लिए पूरा ऑटोमेटिक मशीन है यहाँ पे, बस आपको सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद जो पूरा है प्लास्टिक पूरा बन जाता है सेट, कैरेट जैसा प्लास्टिक का कैरेट, ये वहाँ से बटन दबाते हैं, ये वहाँ से फिट होता है। फिर से दिखाता हूँ आपको, ये ऐसा हो गया, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर होने का पूरा कट जाता है कटने के बाद, और ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो एयर होता है वो चिपक के अंदर जाता है गरम गरम प्लास्टिक में। अंदर होने के बाद ये ऐसा बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट, ये ऐसा बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट, देख लो। यहाँ पे होने के बाद ये ऐसा आता है, तो ये सीधा है। देखो आप पूरा का पूरा देखो, यहाँ पे पूरा सजा हुआ है। इनके पास कितने फ्लेवर के हैं प्रोडक्ट सर? 6 फ्लेवर के हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको ऑनलाइन अवेलेबल है सूरत में? ऑनलाइन अवेलेबल है सूरत में, और आपको अगर आना हो तो हर सूरत की दुकानों में हिसाब से है पड़ा। और ये सारा इधर लगता है, इधर से लगने के बाद यहाँ से जब गाड़ी आती है तो इधर से नीचे जाता है। मेरे पास वेलबॉर्न का जीरा है और ये हीमैन कंपनी का प्रोडक्शन है। तो आपको इसका फैक्ट्री कैसे बनता है या इसमें कैसे फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है इस बॉटल का, ये मैं लेके आया हूँ, मैं अभी ट्राई करके दिखाता हूँ। मैंने सुना है सूरत में मोस्टली हर एक दुकान में मिल जाता है वेलबॉर्न का जीरा मसाला, थोड़ा बट ट्राई करेंगे। काफ़ी बढ़िया और मात्र कम क्वान्टिटी में थोड़ा डाला गया, तो अच्छा है हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ई वैन का वेलबॉर्न सोडा, अगर आपको भी ट्राई करना हो तो मुझे हर दुकान में मिल जाता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और आपको ये अगर फैक्ट्री मेकिंग वीडियो पसंद आया होगा, फैक्ट्री मेकिंग वाला कैसे सोडा तैयार होता है, वहाँ से बॉटल पैकिंग होने के बाद, वहाँ लिक्विड बनने के बाद, लिक्विड बनने के बाद वहाँ पैकिंग होने के बाद यहाँ, और यहाँ आपको ये अगर पसंद आया हो तो वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।